अस्सलाम वालेकुम, इंस्ट्रूमेंट सॉल्यूशन चैनल से मैं हूँ तुहिन। तो आज एक डिफरेंट टाइप का वीडियो लेके आपके पास चला आया। तो इधर आप देख रहे हैं, ये है एक पल्स ऑक्सीमीटर। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर एक्चुअली क्या है, इसका काम क्या है और आप लोग कैसे इसको यूज़ करेगा, इसका डिटेल्स लेके आज का वीडियो में आपको देखा दूँगा। तो चलिए हमारा वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो ये पल्स ऑक्सीमीटर का काम क्या है, देखिए हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कितना है और हमारा हार्ट बीट मीन्स पल्स कितना है, वो ये पल्स ऑक्सीमीटर हम लोग को मेजर कर देगा। हमारा बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाएगा तो हमारा ब्रेन ठीक ठाक काम नहीं करेगा, देन हम लोग को सांस लेने के लिए प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप लोग घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रख सकते हैं, क्योंकि ये ऑक्सीमीटर रखने के बाद आप पहले से ही इसको टेस्ट करके आपका बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है कि नहीं इसको पता कर सकता है, देन आप डॉक्टर के साथ डिस्कस भी कर सकते हैं। और अभी कोविड का टाइम चल रहा है तो इस समय आपका सुरक्षा के लिए आपका घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर रख सकता है, और आपका घर पे कोई हार्ट का पेशेंट रहेगा तो उसको लिए भी एक पल्स ऑक्सीमीटर रख सकता है। तो इसका प्राइस एक्चुअली ज़्यादा नहीं है, आप 400 से स्टार्ट करके 2-3 हज़ार तक का अंदर ये एक पल्स ऑक्सीमीटर मिल जाएगा। तो अभी आप लोग इसको कैसे यूज़ करेगा, देखिए इसका अंदर एक सेंसर है, आप इधर देख रहे हैं अंदर में व्हाइट कलर का, वो एक्चुअली सेंसर है। आपका फिंगर उधर रखने के बाद वो एक्चुअली कैलकुलेट करके आपका ऑक्सीजन लेवल कितना है वो देखाएगा, देन आपका हार्ट बीट भी देखाएगा। और इधर जो आप एक नीचे बटन देख रहे हैं, इसको एक बार प्रेस करने के बाद हमारा पल्स ऑक्सीमीटर ऑन हो जाएगा। तो इधर आप देख रहे हैं हमारा ऑक्सीमीटर अभी ऑन हो गया। एक्चुअली जितना ऑक्सीमीटर है वो सारा का प्रोसीडर ऑलमोस्ट सेम ही है। तो अभी बैक साइड से इसको थोड़ा प्रेस करके आपका फिंगर को इसका अंदर घुसा दीजिए, और आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, अंदर में जो सेंसर है आपका फिंगर को वो सेंसर का ऊपर ही रहना पड़ेगा। और एक चीज़ है, आप जिस टाइम पल्स ऑक्सीमीटर यूज़ करेगा देन उस टाइम आपका हाथ को इधर उधर करेगा, मीन्स हिलाएगा, तो आपका बराबर रीडिंग नहीं आएगा। तो पल्स ऑक्सीमीटर उस टाइम आपको भूल भाल रीडिंग भी दे सकता है। और आपका फिंगर में कुछ मेहंदी होगा, देन नेल पॉलिश होगा, और आपका बॉडी का टेम्परेचर से आपका फिंगर का टेम्परेचर कम होगा तो पल्स ऑक्सीमीटर उस टाइम आपको प्रॉपर वैल्यू नहीं देगा। और ये पल्स ऑक्सीमीटर में आपका 30 से 60 सेकेंड का अंदर रीडिंग दे देगा। तो इधर आप देख रहे हैं हमारा रीडिंग ऑलरेडी आ गया, और हमारा इधर फास्ट में जो 99 देखा रहा है ये हमारा एक्चुअली ऑक्सीजन लेवल है, और इस साइड में जो देखा रहा है 64-66 ये हमारा हार्ट बीट देखा रहा है। और मैं दूसरा अंगुल लेके वो चेक किया, इधर आप देख रहे हैं वो भी 99 देखा रहा है हमारा ऑक्सीजन लेवल, और हमारा हार्ट बीट देखा रहा है 79। तो अभी क्वेश्चन है ये जो ऑक्सीजन लेवल ये कितना से कितना का अंदर रहेगा। तो नॉर्मल है, देखिए ये ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मली 95 से 100 का अंदर रहेगा, तो आपका ऑक्सीजन का लेवल नॉर्मल है। और इसके नीचे चला जाएगा तो आपको ज़रूर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। और आपका बॉडी का हार्ट बीट 60 से 100 का अंदर रहेगा तो ये नॉर्मल है। तो मीन्स हमारा हार्ट बीट और ऑक्सीजन का लेवल दोनों ही नॉर्मल है। और ये ऑक्सीमीटर के साथ जो बटन है इसको प्रेस करके एक एक बार प्रेस करके आप इसका रोटेशन को चेंज कर सकते हैं। आपका सीधा चाहिए तो सीधा रख सकता है, इस साइड में तो चाहिए तो इस साइड में ले सकता है। और ये जो नीचे आप सेंसर देख रहे हैं, आप इधर देख रहे हैं एक रेड लाइट ब्लिंक कर रहे हैं, ये जो ब्लिंक कर रहा है यही एक्चुअली हमारा सेंसर। और ये ऑक्सीमीटर को बंद करने का ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक थोड़ा देर में बंद हो जाएगा। और ऑक्सीमीटर दो टाइप में रीडिंग दे सकते हैं, एक है आपका परसेंटेंस जिसमें हमारा 95 से 100% तक रहेगा तो हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है, और दूसरा है हमारा MMGH मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, इसमें हमारा ऑक्सीजन लेवल 75 से 100 का अंदर रहेगा तो हमारा ऑक्सीजन लेवल नॉर्मल है। और एक चीज़ है, आपका जो हाथ काम करने का टाइम ज़्यादा यूज़ करता है वही हाथ का फिंगर को आप लेके टेस्ट करेगा तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा।
और ये पल्स ऑक्सीमीटर में एक्चुअली प्लस माइनस टू इधर उधर हो सकता है। मीन्स आपका ऑक्सीजन लेवल 98 दिखाएगा तो आप 96 से 100 के अंदर रहेगा, तो ऑलमोस्ट ये सही रीडिंग ही दिखाएगा। तो मेरा लगता है इस वीडियो में पल्स ऑक्सीमीटर आप लोग कैसे यूज़ करेगा और इसका काम क्या है आपको मैं अच्छे से समझा दिया। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक दे के मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन को ज़रूर ऑन कर दीजिए, तो फिर मेरा नेक्स्ट वीडियो वो भी आपको मिल जाएगा। और कुछ क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कॉमेंट कीजिए। धन्यवाद।